खबर आ रही है सोने के दामों में जबरदस्त गिरावट की ये खबर है। जी हाँ, सोने के दाम 11 महीने के अपने निचले स्तर पर आ गए हैं। तो 11 महीने के अंदर ये सबसे निचले स्तर पर सोना आया है। क्या है इसकी वजह? आखिर सोने के दामों में ये गिरावट क्यों है? क्या असर हुआ है? वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से सोने के दामों में इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली? हम भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने और चांदी की कीमतों में लगातार भारी बदलाव देखने को मिला है। सोने के दाम में काफी बड़ा बदलाव आ चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदी की कीमतों के बारे में। तो चांदी के दाम में आज कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चांदी के भाव में लगातार भारी बदलाव जारी है। ऐसे में आज चांदी का भाव 1 ग्राम पर 70 रुपए, 8 ग्राम पर 562 रुपए, 10 ग्राम पर 703 रुपए, 100 ग्राम पर 7030 रुपए, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 70300 रुपए पर पहुंच चुका है। सोने की कीमतों की बात करें तो सोने के भाव में भी भारी बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में सोने के भाव में काफी बड़ा बदलाव आ चुका है। ऐसे में अगर आप अभी सोने और चांदी की खरीदारी करते हो तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी सोने और चांदी के भाव में गिरावट आ सकती है। सोने की कीमतों की बात करें तो आज 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 4845 रुपए, 8 ग्राम पर 38760 रुपए, 10 ग्राम पर 48450 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 4,84,500 रुपए पर पहुंच चुका है। वही अगर बात करें शुद्ध सोने की कीमतों की तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,285 रुपए, 8 ग्राम पर 42,280 रुपए, 10 ग्राम पर 52,850 रुपए, 100 ग्राम पर 5,28,500 रुपए, 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है।